ये भीगी सी आंतों में अब चैन कहाँ है बस तुझको। तो गाइस आज का जो टेम्पलेट है काफी ढांसू टाइप का है, तो आज मैं इस वीडियो में हम लोग को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का स्टेटस वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट है कि इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसी टाइप का और स्टेटस एडिटिंग वीडियो सीखने के लिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले बता दूं कि इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक ऐप की जरूरत होता है जिसका नाम है एवी प्लेयर। एवी प्लेयर का लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे मेरा ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद एकदम टॉप पे आपको एवी प्लेयर प्रो का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको सिंपल सा ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद देखिए ऊपर में बॉक्स की तरह आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे लोड फ्रॉम फाइल ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इधर आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद इधर आपको फाइल मैनेजर पे जाना है। जाने के बाद जिस फोल्डर डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को ओपन करके टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे लास्ट में जो बॉक्स रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए इधर ऑडियो प्रोवाइडर का नीचे एक इमेज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको इमेज को ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं इधर एक इमेज को ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद देखिए इधर इमेज कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ब्लैक टाइप का। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए देखिए इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर की, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो टिक है उसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद देखिए इधर ब्लैक कलर भी हट गया है। ओके, उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए उसका नीचे टेक्स्ट लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपीयरेंस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मेरा चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका चैनल का नाम या तो फिर आप नाम दे दीजिए। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए इधर आपको कुछ चर्चा नहीं करना है। इधर देखिए मोशन ब्लर इफेक्ट का नीचे एक इमेज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए राइट साइड में ब्लर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो टिक है इसको आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए कॉम्पोजिशन 1 मिल जाएगा, उसका नीचे ब्लर इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो बॉक्स है इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए इधर कॉम्पोजिशन 2 ऑप्शन है, उसका नीचे एक इमेज ऑप्शन है, तो उस इमेज पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दूसरा जो इमेज होगा उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो दूसरा इमेज को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए दूसरा इमेज भी आया नहीं, उसका पहले आपको एक इधर चीज़ करना होगा। देखिए इधर कलर की ऑप्शन है, कलर की ऑप्शन पे क्लिक करके इधर देखिए ऊपर वाला जो टिक है उसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। लेकिन देखिए फिर भी दूसरा वाला जो इमेज है वो अभी तक आया नहीं। उसको लाने के लिए देखिए इधर कॉम्पोजिशन 3 का नीचे 2 इमेज रहेगा, तो आपको फर्स्ट वाला जो इमेज है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जनरल पर क्लिक करके ये जो बॉक्स है इस पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद इसको बैक आ जाना है क्लोज करके। उसका नीचे वाला जो इमेज है उस पर भी आपको क्लिक करके सेम वही प्रोसेस राइट साइड में जनरल पर क्लिक करके इस बॉक्स पर टिक लगा देना है। तो अभी देखिए जब वीडियो प्ले करूँगा तो देखिए इधर इमेज आ गया है। तो अभी देखिए इसमें गाना देने के लिए आपको क्या करना होगा। लेफ्ट साइड में 3 लाइन ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना होगा। लाइब्रेरी पे जाने के बाद इधर गाना को ऐड कर लीजिए। गाना ऐड करने के बाद फिर से वही 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद विजुअलाइजर पे जाना होगा। उसके बाद राइट साइड में ऊपर में एक एरो का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए इधर आपको सेटिंग करना है। इधर लिखा है वीडियो विथ, इधर लिखा है वीडियो हाइट। तो वीडियो विथ की जगह में लिखना होगा 1080 और वीडियो हाइट की जगह में लिख दीजिए 1350। ये लिखने के बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है गैलरी पे। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।